मेष राशि वालों के लिए क्या उपाय आप बताएंगी कि आज के दिन ऐसा करने से उनके लिए उनके जीवन में समृद्धि आए? देखिए देखो, मेष राशि के जो लोग हैं जी, उनके लिए सबसे पहली मेरी सलाह है कि जो कार्ड भी उनका आया है किंग ऑफ कप्स जी, तो उनको अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। गुस्सा बहुत जल्दी कर जाते हैं मेष राशि के लोग जी। धनतेरस पे शुरू करके जी कम से कम 2 महीने के लिए इनको हर वीरवार पीपल की जड़ में 7 बार तेल चढ़ाना है जी। सनसेट से पहले, सूर्यास्त से पहले, हर थर्सडे कम से कम 2 महीने जी। उससे ये होगा कि उनकी लाइफ में जो भी रुकावटें हैं या जो भी ऑब्स्टिकल्स कुछ भी उनके रास्ते में आ रहे हैं जी, वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे जी। लेकिन गुस्से पे कंट्रोल। अच्छा, वृषभ वालों के लिए क्या उपाय आप बताएंगे? ऋषभ राशि के जो लोग हैं, जो भी जातक हैं, उनके लिए ये कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं ये कहता है कि अपने भविष्य को लेके जी उनको अभी से प्लान करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कहते हैं ना, जब होगा तब देखेंगे जी, वो नहीं, भविष्य की प्लानिंग करें और जो भी उन्होंने पढ़ाई या काम काज करना है उस पर गंभीरता से विचार करें जी। कहते हैं ना, गलत टाइम पे किया हुआ सही फैसला भी नुकसान करता है। बिल्कुल, बहुत आसान उपाय है। आप बिल्कुल बिल्कुल बताइए, आप उपाय जरूर बताइए क्योंकि उपाय बताना भी जो जो आपका पौधा होता है बहुत हाँ यस, इसीलिए मैं साथ के साथ ही बता रही हूँ। बिल्कुल, जो आग का पौधा होता है ये नॉर्मली हमारी सिटीज में हमें थोड़ी सी मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जो आग का पौधा होता है वो सारी नेगेटिव एनर्जी, जो लोगों को ये वहम भी होता है ना किसी ने कुछ कर दिया, ये हो गया वो हो गया, सब नेगेटिव चीज़ों को आग का पौधा हटाता है। और जितने दिनों तक आप चाहें धनतेरस से शुरू करके 1 महीना 2 महीना 1 साल आप सूर्य निकलते ही, सूर्योदय होते ही आग के पौधे की जड़ में सरसों का तेल डालें जी, आपको कहीं ना कहीं उस पौधे में भी चेंज नजर आएगी और अपनी लाइफ में भी। ठीक है, चेंजेस तो बहुत जरूरी भी है और अच्छे चेंज हो वो ज्यादा, लेकिन एडवांस प्लानिंग जरूर करें जी, आज के सिनेरियो में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल।